मिथुन चक्रवर्ती आज जहाँ पर हैं वहाँ पर आने के लिए इन्होंने काफ़ी मेहनत की है। जब कहीं जाकर आज इन्होंने यह मुकाम हासिल किया है कि बड़े से बड़ा एक्टर इन्हें अपना गुरु मानते हैं, जिसमें एक नाम बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान का भी नाम शामिल है। वह भी इन्हीं की तरह एक आउटसाइडर है और अपने दम पर उन्होंने भी अपनी पहचान बनाई है, लेकिन आज भी वह अपना गुरु मिथुन चक्रवर्ती को ही मानते हैं और इस बात का खुलासा उन्होंने खुद एक इंटरव्यू में किया था। आखिर क्यों वह इन्हें ही अपना गुरु मानते हैं? इंडस्ट्री में कई बड़े एक्टर्स हैं, उन्हें क्यों नहीं अपना गुरु मानते? क्या है इसके पीछे की वजह? आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं तो हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिए और साथ ही मिथुन दा के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें। शाहरुख खान मिथुन चक्रवर्ती को अपना गुरु मानते हैं और यह बात इन्होंने खुद अपने एक इंटरव्यू में कबूली थी। जब इनसे पूछा गया कि आप भी एक आउटसाइडर है तो आपको किस एक्टर से एक एक्टर बनने की प्रेरणा मिली है, तो जवाब में इन्होंने मिथुन चक्रवर्ती का नाम लिया और कहा कि मिथुन दा मेरे गुरु हैं, मुझे उनका स्ट्रगल देखकर काफ़ी कुछ सीखने को मिला है कि इतनी मुश्किलों के बाद भी उन्होंने कभी हार नहीं मानी, बस अपने लक्ष्य को पूरा करने में लगे रहे और उनके इस स्ट्रगल ने उन्हें इंडस्ट्री का एक बड़ा एक्टर बनाया है। और मैं तो उनकी एक्टिंग का भी डाई हार्ड फैन हूँ, मुझे उनकी एक्टिंग बहुत पसंद है, खासकर फिल्म डिस्को डांसर में उनकी एक्टिंग वाकई लाजवाब थी। उस फिल्म को देखकर ही मुझे एक एक्टर बनने की प्रेरणा मिली थी, जिसके बाद मैं भी उनके नक्शे कदम पर चल दिया कामयाबी हासिल करने के लिए और वो मुझे मिल ही गई, जो केवल मिथुन दा के जरिए ही हो पाया, इसलिए तो मैं उन्हें अपना गुरु मानता हूँ। आपको बता दूं कि मैंने अपने गुरु के साथ एक फिल्म भी की हुई है जिसका नाम दिल आशना है। उस फिल्म में उनके साथ काम करके मुझे उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला था। मुझे आज भी याद है, उन्होंने मुझसे कहा था कि तुम एक अच्छे एक्टर तो हो पर तुम्हारी एक्टिंग में लोगों को तुमसे जोड़ने वाली बात नहीं है। मैंने उनकी इस बात को काफ़ी सीरियसली लिया और इस पर काम किया और उनकी इसी टिप की वजह से आज करोड़ों लोग मुझे अपना प्यार देते हैं। जस्ट बिकॉज ऑफ मिथुन दा हिज अ ग्रेट पर्सनैलिटी, मैं आगे भी उनके साथ कई फिल्में करना चाहता हूँ। तो दोस्तों, क्या आप भी मिथुन चक्रवर्ती और शाहरुख खान को एक ही फिल्म में काम करते हुए दोबारा देखना चाहते हैं या नहीं? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही बॉलीवुड से जुड़ी ऐसी मसालेदार खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।